मेरा नाम आमना उस्मान है ये जो सुबह से स्पैट चल चल रहे है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा खान का ट्रेंड कर रही है इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लाफ़ाई करना चाहती हूँ सबसे पहले जो तो मैं क्लैरफ़ाई करना चाहती हूँ उस्मान मलिक डू विद मलिक रियाज इज नॉट मैं क्लियर करना चाहती हूँ जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हसान दिस इज़ अ पर्सनल स्पैर बिटवीन हसान ख़ान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन विच हसान खान न्याजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं सेकेंडली ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है

ये उन लड़कियों का घर नहीं था मेरी तेरह साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच हर इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी मेरा एक ग्यारह साल का बच्चा है आई एम श्योर जिन सबकी औलादे हैं और जो औरतें इस सबसे गुजर रही हैं दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वोट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव अ मैरिज बट आई नो मेरे हस्बैंड बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है आई नो ही इज द द पर्सन टू बी ब्लेम्ड मोस्ट उसको तो मैंने छोड़ दिया है है बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी हम इतकाफ से उठी हैं ये कौन सा इतकाफ है जिसपे तीन दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही है लगातार मेरे पास प्रूफ है ये इतका साढ़े दस बजे से उठी है साढ़े ग्यारह बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने जो कि वायरल हो ही चुकी है आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी